वेलकम बैक स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड। वी लर्न द चैप्टर 3 ऑफ योर केमिस्ट्री कोर्स, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। टिल नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होता है? नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से देर इज अ सेल, ठीक है, ओके, एंड इट हैज सम इलेक्ट्रोड। दो इलेक्ट्रोड तो होते ही है दिस वे, ठीक है। ये मेटल आयन वन है, ये मेटल टू है, बनता है जो, ठीक है। हमें पता है कि एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है, किसी एक पे रिडक्शन होता है, राइट। वन इलेक्ट्रोड एनोड हैज ऑक्सीडेशन हैपनिंग एट इट, ऑक्सीडेशन हैपनिंग एट इट। ऑक्सीडेशन क्या होता है? दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे सपोज करो एम वन मेटल है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो ये क्या हो जाएगा, एम वन प्लस। मान लो एक इलेक्ट्रॉन लूज, कितना भी लूज कर सकता है उसके वैलेंस से, बिल्कुल सेकेंड इलेक्ट्रोड होगा, अदर इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं, ठीक है। हैज़ रिडक्शन हैपनिंग, उसके पास रिडक्शन होता है, रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा ये सब, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मान लो ये एम टू है, वो प्लस आयन में है, उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो हर एक जो इलेक्ट्रोड है उसकी अपनी टेंडेंसी है, जब वो किसी इलेक्ट्रोलाइट में अपने मेटल आयन्स में डूबा हुआ होता है, ये डूब आयन्स है उसमें, उसमें डिप किया, डूबा कर रखा है हमने, तो उसकी टेंडेंसी होती है या तो वो लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन्स को या गेन करेगा, तभी एक पे ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे पे रिडक्शन होता है। इसी टेंडेंसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स व्हेन डिप्ड इन इट्स आयंस, व्हेन डिप्ड इन इट्स आयंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये तो हमें पता ही, यही सब होता है सेल के अंदर, राइट। अब सपोज करो कुछ ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, जैसे मान लो ये एक मेटल है M, उसका एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और ये उसी का आयंस है, यहाँ पर उसी का आयंस है, मतलब M प्लस है। अब मान लो नेट सिचुएशन ऐसा है कि ना ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, मतलब कि इससे जो हो सकता है M प्लस बनता हो और वापस M प्लस से M बन जाना, दोनों सेम रेट पे हो रहा है, ठीक है। अ सिचुएशन वेयर नीदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन हैपन्स, मतलब नेट नेट चीज, जितना M का कॉन्सेंट्रेशन है उतना ही M प्लस का बना रहा है, तो क्या हो रहा होगा, जिस रेट से ये टूट रहा होगा M प्लस में, उसी रेट से M प्लस से वापस M में कन्वर्ट हो जा रहा होगा, ठीक है। तो वहाँ पर कोई नेट ना ऑक्सीडेशन होगा ना रिडक्शन होगा, उस सिचुएशन में जो ये पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। देन पोटेंशियल इज ज़ीरो, सच इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड नल इलेक्ट्रोड।
such electrode, null electrode, null zero, कुछ नहीं हो रहा। एक ऐसा सिचुएशन मानो जहाँ पे M है फिर से इलेक्ट्रोड, ठीक है, अपने आयंस में डूबा हुआ है, उसी का आयंस है। मान लो जैसे ये सी यू इलेक्ट्रोड है और सी यू एस ओ फोर में डूबा हुआ है, तो सी यू टू प्लस आयंस है, ठीक है। तो इसके अंदर टेंडेंसी क्या होती है, मान लो ऐसा है कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब कि ये दो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, ठीक है। तो लूज़ करने की टेंडेंसी ज़्यादा है और वापस सी यू टू से सी यू में एम जो है मेरा क्या है, सी यू है, सी यू, सी यू से सी यू प्लस बनने की टेंडेंसी ज़्यादा है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी ज़्यादा है, और सी यू टू से ये कन्वर्ट होने की कैपेसिटी कम है। तो ओवरऑल क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, राइट। व्हेन टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इज हाई, दैट इज मेटल से एम प्लस बन जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि सी यू से सी यू टू प्लस बन रहा है, तो दो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो ये डेवलप, तो चूँकि इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आयंस तो लूज़ हो गए मेरे, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो जाएगा इलेक्ट्रोड पे, ठीक है। तो वहाँ पर एक ये जो मतलब जो आयंस है वो एक्यूमुलेट होंगे इस पर, आयंस एक्यूमुलेट एट द इलेक्ट्रोड गिविंग नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो इसी को नेगेटिव पोटेंशियल को बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सच पोटेंशियल इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब ये ऑक्सीडेशन हाफ है सेल का, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल इसमें टर्म याद रखो। जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, मतलब इस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड है, और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, एनोड। फिर एक सिचुएशन मान लो जहाँ पे फिर से वही इलेक्ट्रोड है एक, ठीक है, अपने आयंस में डूबा हुआ है, और इस पर ये जैसे अपने आयंस से जितना भी हो एम बनने की टेंडेंसी ज़्यादा है इसकी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है ये, एन नंबर कितना भी इलेक्ट्रॉन्स हो उससे एम बन रहा है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ज़्यादा है। सो व्हेन मेटल आयन गेट्स रिड्यूस्ड दैट इज दे गेन इलेक्ट्रॉन्स, सच इलेक्ट्रोड गेन हो रहा हैज पॉजिटिव पोटेंशियल, सच इलेक्ट्रोड इज रिडक्शन पोटेंशियल। जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का गेन होगा वो क्या होता है, रिडक्शन होता है, मतलब इस इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम एक बात करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिनोट किया जाता है ई से, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय ई। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कैसे डिनोट करोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दस इज ई, उस इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एम एम प्लस एन प्लस लिखो, कितना भी इलेक्ट्रॉन लूज, कोई सिंगल करता है, कोई डबल करता है, कोई तीन का, हमें पता नहीं है। और नेगेटिव पोटेंशियल मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। दस इज ई, तो वो इससे एन प्लस से एम में कन्वर्ट होगा, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल,
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, जब इसी पोटेंशियल का कैलकुलेशन टोट पोटेंशियल इज कैलकुलेटेड एट फर्स्ट 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 230, ये कितना बोल सकते हो, 298 केल्विन, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये जो सॉल्यूशन यूज़ किया गया है उसका कॉन्सेंट्रेशन हो 1 मिली मोल, मतलब 1 मोल 1 एम, व्हेन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन इज 1 मोल पर लीटर, मतलब यही जो पोटेंशियल हम बना रहे हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर ये सारी कंडीशन है, टेम्परेचर 25 डिग्री है, बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, और जो आयन्स हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है, देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड, देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इसको ई और नॉट एक लगा देते हैं, 0, इस तरीके से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब देखो, अब दुनिया में जितने भी मेटल्स वगैरह हैं सब इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी रेफरेंस से करना चाहिए, तो सबका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, और चूंकि वो कन्वेंशन है, वो एक रेफरेंस पॉइंट है, तो उसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 मानी जाती है। ओके, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर मेटल आयंस इज कैलकुलेटेड with respect to standard hydrogen electrode जो होता है reference होता है, और by convention उसका standard electrode potential 0 माना जाता है, by convention standard electrode potential of hydrogen जो होता है वो माना जाता है 0। ठीक है, ये convention है और कुछ नहीं है, कुछ तो रेफरेंस लेना होगा ना, तभी जैसे मान लो कॉपर का निकालना हो, लिथियम का निकालना हो, सोडियम का निकालना हो, तो किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो दिस कन्वेंशन है हाइड्रोजन। ये होता कैसा है, किया क्या जाता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वगैरह जो होता है वही उसी तरीके से कैसे बनाते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एक ये ले लो सोल्यूशन ले लो हाइड्रोजन का, ठीक है, इसमें एक्चुअली जनरली होता है कि कोई भी एसिड सोल्यूशन, ठीक है, जिसमें एच प्लस दे देता है, तो H प्लस आयन हो, जैसे HCl ले लिया, एसिड सॉल्यूशन 1 मिली मोलर, ठीक है, स्टैंडर्ड निकालना तो मैंने बताया ही ना, 1 मोल पर लीटर, इसको क्या बोलते हैं, 1 एम मोलारिटी। ठीक है, उसके बाद करते क्या है, एक ग्लास चैम्बर लिया जाता है, ठीक है, इसके अंदर एक प्लैटिनम का फॉयल लटका दिया जाता है, ठीक है, इसके थ्रू प्लैटिनम का फॉयल, यहाँ से हाइड्रोजन गैस दिया जाता है, H2 गैस एट 180 एम, ठीक है, ये ग्लास है, ग्लास जैकेट है, उसके अंदर ये सब रखा हुआ है, और ये प्लैटिनम फॉयल लटकाया हुआ है, बहुत ज़्यादा कहानी इसमें नहीं देखेंगे। ठीक है, होता क्या है, चूँकि रेफरेंस पॉइंट है, तो इसके जैसे एनोड है, तो एनोड पे क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है, तो कैसे होता है, हाफ
H2 गैस जो आपने दिया है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, एक्वस सॉल्यूशन में चला जाता है, ठीक है। तो इसने लूज़ किया, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप? ई नॉट हाफ H2 और स्लैश जो मैंने बार दिया जाता है H+, इससे ये बन गया, वही रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? दिस इज ऑक्सीडेशन, लॉस हुआ है। फिर कैथोड पे क्या होगा? तो वापस ये इसमें कन्वर्ट होगा, राइट। H+ एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और हाफ H2 बन, यही रिएक्शन चलता रहता है, एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ई नॉट, ठीक है, इससे ये हुआ था, H+ से हाफ H2, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या है? रिडक्शन है। एंड बाय कन्वेंशन ये दोनों वैल्यू जीरो मानी जाती है, रेफरेंस बाय कन्वेंशन, ठीक है। दिस इक्वल टू जीरो। ठीक है, दिस इज हाउ द, अब इसी के रिस्पेक्ट में बाकी किसी दूसरे मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाता है। सो लेट मी क्लोज दिस वीडियो, इन द नेक्स्ट वीडियो विल सी कि अब किस तरीके से हाउ टू यूज़ दिस वन टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर, बिकॉज दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। नाउ यूजिंग दिस इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर एनी अदर एलिमेंट्स। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल सी दैट।